जंगल में, कीकरण में रात की घटना है जी। दो चार घंटे राखी में हूँ, फिर मेरे घर पर छोड़ गए, फिर चार एक बजे जी। फिर मैंने अपन चाचा को बताई, चाचा जब सुबह हो, हम हैं साफ गरीब आदमी, हमारी सुनाई पुलिस ना कर, रात के 12-11 बजे ले गए, 4 बजे उल्टी छोड़ के गए। पहाड़ी थाना अंतर्गत एक गांव से एक नाबालिग को गांव के ही 3 लोग उठाकर रात के करीब 11 बजे ले जाते हैं। पीड़िता का आरोप है कि घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उसे ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करीब 4 बजे उसे आरोपी उसके घर छोड़ जाते हैं, उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पीड़िता परिजनों को आप बीती बताती है और उसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़िता और उसके परिवार की जुबानी। हम गरीब आदमी हैं, हमारी पुलिस सुनाई ना कर रही, और हमारे संग रात के 12 बजे हमारे लड़के के संग लेंग फेंग करिए ले जाते, 4 बजे उल्टा छोड़ के गए, और हम हैं साफ गरीब आदमी, हमारी सुनाई पुलिस ना कर रही, जैसे उल्टो हम पे जोर दे रहा, जो मुलजिम है वह गांव में ही डोल रहा है और उल्टा हमारे खुद बजा रहा है, और जबरदस्ती आए फैसलो करो, हम घर करें, पुलिस हमारी सुनाई ना करी, गरीब आ। कितने दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुआ? यह दर्ज हुए होगा 5 तारीख। कितने लोग थे वो? तीन है। अच्छा, तीन। कब की घटना है? 5 तारीख की घटना। किस समय की? रात के 12-11 बजे ले गए, 4 बजे उल्टी छोड़ के। रात अपन चाचा घर सो रहे थे, जबरदस्ती नीचे उठा के लेगा, मुँह बेच के नहीं जबरदस्ती 1 किलोमीटर दूरी पर ले गया वो मेरे, जबरदस्ती काम मतलब गलत। क्या नाम थे उनके जो लेके गए थे? सुब्बा अलीजान और हामिद। आपके गांव के रहने वाले जी? उन जबरदस्ती करो 1.5 किलोमीटर हमारे घर से। जंगल में लेके गए थे? कहीं कहाँ लेके? जंगल में, कीकरण में। रात की घटना है जी। दो चार घंटे राखी में हूँ, फिर मेरे घर पर छोड़ गए, फिर चार एक बजे जी। फिर मैंने अपन चाचा को बताई, चाचा जब सुबह हो केस दर्ज करो। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ ना मिलेगा तो अपनी हत्या कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी जी। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? मुझसे तो कुछ ना मिला,